नौवीं और ग्यारहवीं के रिजल्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आपके नेताओं के तमाम स्टेटमेंट्स मैं देख रही थी, अखबार में भी कोट हो रखे थे, हमने भी देखे, 96% बच्चे फेल हुए, आप लोग ये दावा कर रहे हैं, बच्चे भी अब राजनीति के केंद्र में आ गए हैं, क्या बड़े कारण आप देख रहे हैं? देखिए जीना जी, जैसा रीना गुप्ता जी कह रही हैं कि खाली पढ़ाई लिखाई उन्होंने करी है, हम सब लोग तो अनपढ़ हैं, हम लोगों ने तो पढ़ाई भी नहीं करी है, और जो डिग्री भी कहीं होगी हमारी वो भी फर्जी होगी, और ऐसी बातें बोल के एक सेंसेशन डेवलप करना इनकी पुरानी आदत है। मैं रीना गुप्ता जी आपको बताना चाहता हूं कि जिस विद्यालय से, जिस इंजीनियरिंग कॉलेज से केजरीवाल जी पढ़ के आते हैं, उसी के समकक्ष कॉलेज से मैं भी पढ़ के आया हूं और बहुत सारे लोग पढ़ के आए हैं। इसलिए टीवी चैनल पर इस तरीके की बातें बोलना कि अनपढ़ है, फर्जी डिग्री है, ठीक नहीं रहेगा, जैसा कि आपके एक विधायक जितेंद्र तोमर जी की थी। अब आपकी चैनल पे जिंदर जी, इन्होंने कहा आतिशी जी ने कि मैं चैलेंज करती हूं कि किसके 90% स्कूल का रिजल्ट खराब हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से 11वीं और 9वीं कक्षा में फेल किया जा रहा है। मंगोलपुरी के 2 स्कूल हैं, सुल्तानपुरी का 1 स्कूल है और बवाना का 1 स्कूल है। ये 14 स्कूलों को मैंने खाली चेक किया, उसमें से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मिनिस्टर जी को, शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम है कि कौन से ऐसे स्कूल हैं जिसमें ऐसा रिजल्ट आ रहा है, झूठ बोल रहे हैं। ये आप कह रहे हैं कि ये वो स्कूल आप बता रहे हैं जहां 96% बच्चे फेल हैं, आप ये कह रहे हैं मंगोलपुरी, और ये आप तो रोहिणी में रहते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है रोहिणी के स्कूलों के बारे में आपने इंफॉर्मेशन जुटाई है? मैं तो कह रहा हूँ उधर की, जो मैंने आउटर दिल्ली के जो स्कूल है उसी का मैंने पता लगाया, जो जिनके हमने 10 या 15 स्कूलों के जब इनका वो आया तब हमने पता लगाने की कोशिश करी कि वहां पे क्या रिजल्ट है। और सच में ये रिजल्ट है, कहा जा रहा है कि बच्चों की खाली कॉपी है तो टीचर से लिखवा लो, किसी तरीके से पास करो। रिजल्ट इतना गंदा कभी नहीं रहा, और इसके बाद भी इनके मिनिस्टर्स, इनके प्रवक्ता उस चीज को और अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो नॉर्मल सर्कुलर है, पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें क्यों नंबर कम आए इस पर चर्चा होनी चाहिए, और उसमें क्या प्रयास करना चाहिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि झूठ बताने के लिए कि हमारी कहीं झूठ पकड़ा ना जाए। अरे भाई, आप ही तो कह रहे थे कि ये वही स्कूल है जिसके लिए न्यूयॉर्क टाइम में मनीष सिसोदिया जी का नाम निकला था, और यदि ऐसा था और ऐसा है तो क्यों नहीं आप बता पा रहे हैं कि जो आज सर्कुलर भेजा गया है उसमें क्यों कहा गया कि 6 अप्रैल तक उनको मार्क्स देके प्रमोट किया जाए। मेरा यह कहना है जीना जी, लगभग 100 बच्चे यदि 9th में पढ़ते हैं तो वो 10th में एग्जाम देने के लिए 50 या 60 ही बच्चे पहुंचते हैं, और उसके बाद बीच में कहां ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कहां चले जाते हैं मालूम नहीं। यही 11वीं से 12वीं के बीच में भी है, हमको पता लगाना चाहिए कि वो बच्चे कहां जा रहे हैं, वो पढ़ाई बंद तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज, यदि पढ़ाई अच्छी हो रही है और आपको लगता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई है और कोई माध्यम नहीं है, तो फिर सर्कुलर में ये क्यों कहा गया कि बच्चों को लिखवाओ, उनसे नंबर लो, और उसमें यदि कोई प्रश्न नहीं लिखा है तो टीचर लिख के उनको पास करें, और ऐसा कहा जा रहा है, और लगभग 10 प्रिंसिपल को ये इंफॉर्मेशन है, वो आगे पीछे बोल रहे हैं, साफ साफ जवाब नहीं दे रहे, पर स्कूलों के टीचर्स, स्कूलों के नहीं, मैं देखिए होता क्या है ना, आप सुनिए एक सेकंड, आप लोग तो राजनीतिक दल हैं जी, आप लोग ठीक है, आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने इन मुद्दों को उठाएंगे। मैं एक पेरेंट्स होने के नाते, या मैं इन बच्चों के संदर्भ में अगर समझना चाहूं, मान लिया कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, आप क्या करने वाले हैं कि स्कूलों के रिजल्ट ना आए? आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है जीना जी, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। हाँ जरूर जरूर, दिखाइए साथ में। हाँ एक मिनट रीना जी, इस पर जरा जवाब दीजिएगा शुभेंदु जी, यहां पर इस प्रोग्राम में या किसी मंच पर बयानबाजी बच्चों के नाम पर कर घर मत जाइए, मुझे ये बताइए कि आप क्या करेंगे कि भविष्य में कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जीनत जी, पढ़ाई सब बच्चे, जब 50-60 बच्चे एक साथ क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें 4-5 बच्चे फेल होने का, 10 बच्चों का फेल होने का एक संभवता होता है, जिनके घर का एटमॉस्फेयर ठीक ना हो, बच्चे ध्यान ना दे रहे हो, डाइवर्टेड हो, मेंटली प्रॉब्लम आ गई हो, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकता है। 5 भी आप ज्यादा कह रहे हैं, मैं भी दिल्ली के स्कूल से हूँ, मुझे भी याद है मेरी क्लास में 2 बच्चे या 3 बच्चे होते थे, बमुश्किल, बहुत मुश्किल से। हाँ बहुत मुश्किल से होता है ना, आप भी दिल्ली स्कूल से पास आउट हो, इतना अच्छा एंकर हो, इतना अच्छा काम कर रहे हो, समाज में सब लोग जानते हैं, उसी दिल्ली स्कूल में
जहां पर इनकी सरकार आने से पहले ही पढ़ा होगा आपने, सब बच्चे वहीं से पढ़ के आ रहे हैं। परंतु अभी यदि ऐसी स्थिति आई है तो हमको और सबको मिलकर ये देखना चाहिए कि क्या टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं, या बच्चों का डायवर्जन हो रहा है, या खाली हम लोग एक नेतागिरी करने के लिए, राजनीति करने के लिए ये खाली डाटा दे रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा मॉडल टर्म्स की वाइब देखने आ गई, कितना अच्छा इसमें क्लासरूम बन गया। क्या टीचर भी ठीक पढ़ा रहे हैं? क्या प्रिंसिपल हैं? आप सोचिए रोहिणी, पूरे 60, मैं बार बार हर चैनल पर हर बार आपके शिक्षा मॉडल पर बोलता हूँ, 67% स्कूलों के अंदर साइंस और कॉमर्स नहीं है। बवाना में यदि बच्चे को साइंस और कॉमर्स पढ़ना हो, एक मिनट सेंटेंस पूरा कर लीजिए जल्दी, उसको रोहिणी भी आना पड़ेगा। मतलब वहां से 2.5 घंटे पढ़ने के लिए एक बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है, तो भी उसको रोहिणी आके पढ़ना पड़ता है 20 किलोमीटर। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है तो टीचरों का बढ़ाओ, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो लैब बढ़ाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो वाइस प्रिंसिपल को अपॉइंटमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो टीचरों की पढ़ाई। नहीं नहीं, एक सेकंड, सेंटेंस पूरा हुआ। आप एक मिनट रीना जी, पैनल में और भी लोग, एक मिनट, आपकी बात पूरी हुई शुभेंदु जी, रीना जी काउंटर कर लीजिए जल्दी से। अच्छा रिजल्ट की, हाँ। मैं सेटअप जानता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को अच्छा चाहिए, साथ में टीचर, अध्यापक, लैब्स और वहां के प्रिंसिपल जरूर होने चाहिए, ठीक है। रीना जी जल्दी से काउंटर कीजिएगा। देखिए जीनत जी, मैं इनको अभी चैलेंज कर रही हूँ, स्कूल के नाम बताएं, स्कूल के आईडी बताएं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो ये सर्कुलर की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मेरे सामने है, अंग्रेजी में सर्कुलर है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि टीचरों को बैठ के खाली कॉपियां भरवानी है। आज भाजपा जो है दिल्ली के टीचर्स पर बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, इनको सोच समझ के बोलना चाहिए कि ये टीचर्स के बारे में क्या बोल रहे हैं। वही टीचर्स जिनको हम सब गुरु मानते हैं, आप उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? थोड़ा तो सोच लीजिए और बताइए कौन से स्कूल का नाम बताइए आप, कौन से स्कूल है जहाँ पे बच्चे 90% आप बोल रहे हैं फेल हो रहे हैं, और सर्कुलर बताइए कौन से सर्कुलर बात कर रहे हैं। सर्कुलर मेरे सामने है, सर्कुलर में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आपका झूठ इस तरह नहीं चलेगा, हमने देख लिया है आपका मॉडल। आपने दिल्ली में एमसीडी के स्कूल्स की क्या बुरी हालत करी है 15 साल में, ठीक है, ठीक है। आप बैठ के दिल्ली के एमसीडी के स्कूल्स की हमें सही करने पड़ेंगे। एक सेकंड, ठीक है जी, इनको शांत कराइए पहले, ये बोल रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, आराम से, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रीना जी, आपकी बात पूरी हुई। एक मिनट शुभेंदु जी, एक मिनट प्लीज, पैनल में थी, आपकी बात पूरी हुई रीना जी? पूरी नहीं हुई, जल्दी पूरी कीजिए, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठ के सुन रही, ठीक है। आपने चैलेंज कर दिया है, शुभेंदु जी आप वो लिस्ट बना के रखिए, आप जरूर इसका जवाब दीजिएगा।